हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर डैम थिंग। आज हम आपके सामने एक ब्लूटूथ स्पीकर का अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। आपको लग रहा होगा कि मैंने जेबीएल या सोनी या फिलिप्स का ब्लूटूथ स्पीकर मंगाया होगा, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि मैंने कुछ और कंपनी का मंगाया है। स्पीकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मुझे अराउंड 1500 रुपीज़ का पड़ा है अमेज़ॉन पे। ये है HP S6500 ब्लूटूथ स्पीकर, और ये बॉक्स पे लिखा है कि ये 10 घंटे की बैटरी लाइफ है और माइक्रोफोन भी इसमें इनबिल्ट है, तो आप इससे कॉल भी कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं। और ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। मैंने अगस्त 2017 में मंगाया है, और जो बॉक्स है उस पर इसका प्राइस जो लिखा है वो 2499 है, और ये नवंबर 2016 में इंपोर्ट किया गया है इंडिया में, तो काफ़ी पुराना तो है। आइए इसको ओपन करके देखते हैं हमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है। वैसे बॉक्स पे कोई स्पेशल सील मुझे नहीं मिली, बल्कि एक टेप लगा हुआ था। ये सबसे ऊपर कुछ मैनुअल्स और ये चाइनीज़ में कुछ लिखा है। यही लिखा है कि चार्ज कर लीजिए स्पीकर को बिफोर यूज़, और ये HP के कुछ मैनुअल्स, वारंटी। प्रोडक्ट नोटिस, ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि ये जो चार्जिंग केबल है ये इन्होंने बिना पैकिंग के दी है, तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग है। इन्हें किसी पैकेज में या किसी पॉलीथीन में रैप करके ये देनी चाहिए थी। बैग्स भी जो मार्केट में यूज़ करते हैं एक्ट्रेस, उसी से बना हुआ है। और ये हमारा स्पीकर काफ़ी छोटा है साइज में, ये HP की ब्रांडिंग काफ़ी स्लीक सा है। ये वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन और पॉज और प्ले बटन भी दिए हैं। दो इंडिकेटर ऊपर हैं जिसमें एक ब्लूटूथ है और एक आपको बैटरी इंडिकेटर है। ये हमारा डिवाइस है। नीचे माइक्रोफोन का पॉइंट दिया गया है, तो आप इससे बात भी कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं। और नीचे ऑन ऑफ स्विच है। ये आपके लिए ऑक्सिलरी इन और चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ से आप चार्जिंग कर सकते हैं और ऑक्स केबल लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने ऑन कर लिया है, और ये चार्जिंग पे लगा है इसलिए कंटिन्यूसली आपको दिख रहा होगा बैटरी सिग्नल ऑन है, तो ये चार्ज हो रहा है। ये जब सिग्नल ऑफ हो जाएगा तो इसका मतलब है चार्जिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखिए ब्लूटूथ ब्लिंक कर रहा है, यानी ये पेयरिंग कर रहा है। जब पेयर हो जाएगा तो ब्लूटूथ की जो LED है वो स्टेबल हो जाएगी, ब्लिंक नहीं करेगी। तो ये चार्ज हो रहा है, देखते हैं चार्जिंग में इसको कितना टाइम लगता है। चार्जिंग में ये अराउंड 3 to 4 hours लगाता है, लेकिन इसका जो बैकअप है वो वाकई लाजवाब है। 10 to 11 hours ये आपको बैकअप देता है, तो ये काफ़ी अच्छा है।
मार्केट में जो और ब्लूटूथ स्पीकर आ रहे हैं वो 6 आवर्स से ज़्यादा कोई भी बैकअप नहीं देता, मेरा मतलब इस रेंज से है। तो जैसे ही ये लाइट ऑफ हो जाएगी इसका मतलब होगा कि हमारा जो डिवाइस है वो फुली चार्ज हो चुका है, और जब लो लाइट होगी यानी बैटरी लो होगी तो ये ब्लिंक करने लग जाएगी बैटरी लाइट। तो ये काफ़ी अच्छे इंडिकेटर हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि कब आपकी बैटरी डाउन है, कब आपको बैटरी चाहिए है और कब बैटरी आपकी फुली चार्ज है। तो ये एचपी ने काफ़ी एक अच्छा सा प्रोडक्ट बनाया है। थोड़ी बीच में जहाँ पे ये बटन से वहाँ पे ग्लॉसी फिनिश है, बाकी मैट फिनिश है, तो ये काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल काफ़ी छोटा है, स्मूथ है, लेकिन साउंड इसकी मैंने चेक करी तो काफ़ी अच्छी है। और एक रूम में आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं, एक रूम में आपके ये पूरे कमरे को आवाज़ से भर देगा। बाकी इतना बास इसमें इतना नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इस प्राइस रेंज पे ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर ये प्रोडक्ट अच्छा लगा हो तो आप ले भी सकते हैं अमेज़ॉन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर डैम थिंग।